शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो, किसका फोन है? कबीरा। कबीरा स्पीकिंग। वो उसको बोल बाबूराव मर गया। बाबूराव सुबह में ही मर गया। यार राजू, उसको बोल बाबूराव मर गया। मामा नहीं है वो। उसको कबीरा भाव जय महाराष्ट्र। स्टार फिशर क्या माइलम मजाक करता है? आधी मछली पानी में डूब के मर गई और आधी प्यास से मर गई और बाबूराव की धोती भी खुल गई। साला धोती खुलता है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका। या मायला खूब ठंडा है। क्षिप्रा वेत्रवती महासुरन देखाया था गया गंडकी पूर्ण पूर्ण राम। ये बाबू भैया का क्या करेंगे यार, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। अरे इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, फिर भी बाल्टी में रस्सी बांध के नहाने बैठ जाएंगे। आस पड़ोस में क्या इज्जत रहेगी? कुआं खोद रखा है मैंने यहाँ। भोले है ना, मैं समझाता हूँ। बाबू भैया ये क्या कर रहे हैं आप? जो तूने पिछले 5 साल से नहीं किया है, नहा रहा हूँ। इस तरह नहाता कोई तो कैसे नहाने करे? अरे बाबू भैया, ऐसे रस्सी डाल के खींचने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट बाल्टी अंदर डालो, पानी निकालो और नहा लो यार। कॉमन सेंस नहीं है यार राजू, इनको शाणा और दूसरा अंधे में काणा। अरे ये स्विमिंग पूल है, इसमें बाल्टी डालने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट जाओ ना। अरे ऐसा कैसा डायरेक्ट? बोलो। अरे कौन? देवी प्रसाद, आप कौन बोल रही हैं? अनुराधा लक्ष्मी चिटफंड से। हाँ बोलिए। 21 दिन में पैसे डबल? हाँ नहीं, मुझे इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। हाँ जी। अरे मैं देवी प्रसाद ही बोल रहा हूँ, आप एड्रेस दीजिए। नहीं नहीं, फॉर ऑफिस पर्पस। आप बोलिए ना। जय अम्बे चेम्बर्स 27, 4 लिमिटेड बस का जो आखिरी बस स्टॉप है उसके ऑपोजिट वाली बिल्डिंग। ओके ओके, बाय बाय बाय। गाड़ी तो खराब है, 4 लिमिटेड। टिकट 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 टिकट। भैया अगला स्टॉप, लास्ट स्टॉप। 1000 करोड़ भाई साहब, 10 रुपए के लिए क्या पूरी तनख्वाह दोगे मेरे को? छुट्टा लाओ। अरे होगा ना आपके पास छुट्टा? नहीं छुट्टा नहीं, जल्दी करो ना, मेरा अगला स्टॉप है प्लीज। एक काम करिए, हाँ। इनके और इनकी बेटी की टिकट ले लीजिए। ये मेरी बेटी नहीं है। तो इनके और इनके पति की टिकट दे दीजिए। ये मेरे पति नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इनके और मेरी टिकट दे दीजिए। अरे भाई साहब, पूरी बस की भी टिकट खरीदोगे ना तो 1000 का छुट्टा नहीं मिलेगा आपको। आप जल्दी करो ना प्लीज, आप एक काम करो, ये रखो और इनकी भी टिकट कटवा दो प्लीज, जल्दी मेरा स्टॉप आ रहा है। लेकिन टिकट दो, ये लो। आप एक काम करो, ये रखो। अरे थैंक यू मैडम। टिकट टिकट। अरे मेरा नोट तो दो। हाँ ये लो। सुनिए मैडम, मैडम मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैडम भागिए मत, देखिए मैं। सुनिए सुनिए माधुरी जी, सुनिए। मेरा नाम माधुरी नहीं है। तो क्या आपका नाम? आपसे मतलब नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि वैसे आपका भी कोई मतलब नहीं मेरे साथ, लेकिन आपने मेरी टिकट निकाली इसलिए मैं। देखिए मेरा स्टॉप आ रहा था, मुझे जल्दी थी, अब जाओ मैं। आप मेरी बात तो सुनिए, एक मौका तो दीजिए। एक मिनट। आप पैसे मैं देता हूँ ना, मैं उसकी कोई जरूरत नहीं। इधर आइए ना प्लीज, प्लीज प्लीज आइए मैडम। ए कितने का? 10 रुपए का एक। दो लगा, मुझे नहीं खाना। अरे बहुत फेमस है यहाँ का, आप खा के तो देखिए। एक बार तू लगा ला है, मेरा मुंह क्यों देख रहा है? ये लो साहब। ये लीजिए मैडम, एकदम गरम गरम। ये लो साहब कड़क भुट्टा। ये ले 1000 रुपए। साहब 1000 रुपए का छुट्टा नहीं है। अरे इतना बड़ा बिजनेस खोल रखा, छुट्टा नहीं तेरे पास? मांग ले किसी से। साहब सवेरे सवेरे का समय, 50 का छुट्टा भी नहीं है। अरे होगा यार, पंखे वाले से पूछ। आप ये लो, आप ये लो, रखो। अब 30 हो गए, मेरी बात सुनिए। अबे देना, ये आपने क्या किया नीलिमा जी? अब मुझे आपको 30 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए मेरा नाम नीलिमा नीलिमा नहीं है, और मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं आपके पैसे देके रहूंगा, आप मुझ पे एहसान नहीं कर सकती ऐसे। आप एक काम कीजिए, यहाँ गोले वाला खड़ा, मैं आपको छुट्टे देता हूँ। आइए 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 प्लीज, समझा करिए। आइए, एक गोले वाला, दो गोले लगा बेटे। जी सर। ये लीजिए, बहुत फेमस है यहाँ का। ये ले बे, छुट्टा नहीं है। वापस लाबे। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। बस 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 बस, थैंक यू।
कमाल का मैडम। आइए आइए, कितना हुआ? 60 रुपए बाबूजी। ये लो 1000 का नोट। छुट्टा नहीं बाबूजी? ये क्या कर रहे हो यार? आपके छुट्टे नहीं होते, गरीबों की बस्ती है, जिससे मांगू किसी के पास छुट्टे नहीं है यहाँ। ये क्या कर रही है आप? 60 रुपए, अच्छा ठीक है, अब 110 रुपए हो गए। एक काम करते हैं, वहाँ एक घोड़ा गाड़ी वाला, वो बहुत फेमस है, वहाँ चलते हैं। इनाफा, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पीछे छोड़ दो प्लीज। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपके पैसे दे के रहूंगा। यार ये बिल्डिंग बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, चलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। आपकी तारीफ। जी मैं देवी प्रसाद। देवी प्रसाद, उन्हें तो मैं पर्सनली जानती हूँ, उनकी उम्र तो। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे देवी प्रसाद जी ने भेजा। ओके, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू मैम। एक बात बताइए, क्या आप वाकई में पैसे डबल कर देती हैं? जी हाँ, 21 दिनों में। कोई शक? शक नहीं। आपको देवी प्रसाद जी ने नहीं बताया? नहीं बताया था, लेकिन आपका ऑफिस ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, बल्कि आपका ऑफिस तो कोई लैविश जगह पे होना चाहिए, यू नो, मरीन ड्राइव चौपाटी, वहाँ सब। अच्छा याद दिलाया। मिस्टर बिजलानी, व्हाट इज दिस? मैंने आपको मार्केट से पूरा 10 करोड़ रुपए ज्यादा दिलाया और मेरी बिल्डिंग अभी तक कम्प्लीट नहीं है। अगले महीने होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, मैं उन्हें कहाँ बिठाऊंगी? हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए। दैट्स गुड। एक बात बताइए, मेरा पैसा भी डबल हो सकता? सॉरी सर, हमारी स्कीम लिमिटेड लोगों के लिए है। मैं भी तो लिमिटेड ही हूँ, लिमिटेड खाता हूँ, लिमिटेड पीता हूँ, लिमिटेड सोता हूँ, लिमिटेड लोगों के साथ रहता हूँ, और तो और अभी भी जिस बस में है वो भी लिमिटेड ही थी। आप आ रही हैं। ऑलराइट, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। जी। लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है कि हम ना तो 10 करोड़ से ज्यादा पैसे लेते हैं, ना ही 1 करोड़ से कम। 1 करोड़? 1 करोड़ कहाँ से लाऊंगा? क्या हुआ? वही मेरा मतलब, कैसे लाऊंगा? यू नो, बहुत बड़ी रकम होती है, कहाँ से घर से उठा के लेके आना? आप पैसे लेके नहीं आएंगे, आप बाहर अपना एड्रेस लिखा दीजिए, पैसे लेने मैं खुद आपके घर आऊंगी। जी। बस आप ये फॉर्म साइन करके रेडी रखिए, मैं आकर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस और बैंक बैलेंस चेक करूंगी। अब 1 करोड़ से कम नहीं है? नो, आई एम सॉरी। पूरे 1 करोड़। गुड पॉलिसी। रामेश स्टेट एजेंट, हाँ सुन, बनवारी को फोन दे। बनवारी, अरे बनवारी, मैं राजू बोल रहा हूँ। हाँ सुन, मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियाँ होनी चाहिए, और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने के लिए। और अरे क्या था एक? अच्छा चल, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। ये तेरे को क्या 8-10 लॉटरी एक साथ लगा क्या? नहीं रे बाबू भैया, ये लॉटरी वॉटरी ना सब गरीब लोगों का काम है, मैं तो बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस है? कैसा बताता हूँ, ये टाटा बिरला अंबानी अपना देवी प्रसाद, इन लोग अमीर कैसे बना, इसका सीक्रेट मिल गया है। सीक्रेट पिता? सीक्रेट पिता? सीक्रेट नहीं यार बाबू भैया, सीक्रेट सीक्रेट सीक्रेट। वो लोग क्या करते हैं ना, सारा पैसा ना चिट फंड में डालते, 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों के लिए 5-5 करोड़ रुपए छोड़ के जाऊं। भैया इस फ्रॉड की बातों में मत आना, करोड़ छोड़ो ये हमें रोड पे ले आएगा। अरे नहीं रे बाबा, ये सुबह से मेरा दाहिना हाथ फड़क रहा है, लगता है हम लोग जरूर करोड़पति बनेगा। ये राजू, ये राजू। अगर ऐसा होता तो आज हर कान्या करोड़पति होता। गणपति बापा, ये मंगल मूर्ति विनायका। ला बाबा ला। क्या लाऊं? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू है? अरे इन्वेस्ट तो करने दो, तुम लोग लाओ। क्या? अरे 10-10 लाख रुपए दे दो और इस फॉर्म पे साइन करो। मैं नहीं देगा रे। अरे 1 करोड़ रुपए दोगे तो वो इन्वेस्ट करूंगा, तो 21 दिन बाद 2 करोड़ मिलेंगे ना। ये ले, तू तो पढ़ा लिखा है, पढ़ पढ़ ना। ये पढ़ तो बाबा, क्या लिखा है पढ़ तो। हाँ लिखा था कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया डालो तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा लिखा है? ला बाबा ला। अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे। ये ले मेरा 10 लाख तेरे को दे देता हूँ। चले चले यार, साइन कर, अनाड़ी साइन कर। लेकिन चल साइन कर रे, साइन कर चल।
वो तो ठीक है, लेकिन सुन अपने पास 30 लाख रुपए, तू 70 लाख रुपए बाकी के लाएगा कहाँ से? तुम दोनों को मेरे पे विश्वास है ना? मेरे को भगवान पे विश्वास है। 70 लाख रुपए मैं कैसे ना कैसे लेके आऊंगा, ठीक है? ओके, खूब चांगला मारो साहिर। बाबू भैया मैं बोल रहा हूँ आपको, ये राजू अपने को मरवा देगा, साइन करवा। क्या बाबा, तू पनौती मत मार रे। ए मंगल मूर्ति, ये देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे।